हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम हिंदी के 30 प्रश्न लाए हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलो चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 1, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए अ, बी अभ्य, सी अभी, डी अभ्या। तो दोस्तों, अभ्यागत में जो है उपसर्ग पूछा है, कौन सा उपसर्ग लगा है इसमें। तो दोस्तों, इसमें हमारा आंसर सी सही है, अभी। अभ्यागत शब्द में जो है अभिधन आगत शब्द के मेल से बना होता है, अतः इस शब्द में अभी जो है उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? ए अनियर, बी ई, सी रम, डी डी ए। तो दोस्तों, देखते हैं आगे हम कि रमणी में कौन प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसमें जो है अनीय, जो हमारा आंसर ए सही है। यहाँ पे जो है रमिष्टिक है अनीय प्रत्यय, रमधन अनीय शब्द होता है, रमधन अनीय संधि विच्छेद इसका रमधन अनीय होता है, रमणीय। तो हमारा ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे की तरफ चलते हैं हम। बौरों सबै रघुवंश कुठार की धार में वारन बज, सरथई बान की वायु उड़ान कै लक्षण लक्ष करो अरिहा समर्थई। इस काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? तो दोस्तों, ए है रौद्र रस, बी भयानक रस, सी विभत्व रस और डी वीर रस। तो हम देखते हैं इसमें कौन सा रस पाया जाता है। तो दोस्तों, इस काव्य में जो है रौद्र रस, ये हमारा आंसर सही है। रौद्र रस का स्थायी भाव जो होता है क्रोध होता है। विरोधी पक्ष द्वारा किसी व्यक्ति, देश, समाज या धर्म का अपमान या अपकार करने से उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो क्रोध उत्पन्न होता है, वह विभाव, अनुभाव और संचारी भावों में परिपुष्ट होकर असहाय हो जाता है और तब रौद्र रस उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार हमारा आंसर ये सही होगा, रौद्र रस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, बचपन शब्द है। ए विशेषण, बी क्रिया विशेषण, सी सर्वनाम और डी संज्ञा। तो दोस्तों, बचपन शब्द में जो है, बचपन जो है शब्द कैसा शब्द है? ए विशेषण, बी क्रिया विशेषण, सी सर्वनाम और डी संज्ञा। तो इसमें हम देखते हैं जो बचपन शब्द है वो हमारा क्या है, संज्ञा है, न कि वो विशेषण, सर्वनाम और क्रिया विशेषण। बचपन जो है हमारा शब्द वो संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। पांचवा क्वेश्चन, कवयित्री अपने बचपन को क्यों बुलाना चाहती है? कवयित्री अपने बचपन को क्यों बुलाना चाहती है? ए अपनी बिटिया की याद में, बी बचपन के आनंद की याद में, सी बचपन के खेलों की याद में और डी अपनी माँ की याद में। तो दोस्तों, कवित्री अपने बचपन को जो है अपनी बिटिया की याद में बुलाना चाहती है। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा? 4, अपनी बिटिया की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर, व्याकुल व्यथा
मिटाने वाली में प्रयुक्त अलंकार है। ए रूपक अलंकार, बी उपमा अलंकार, सी अनुप्रास अलंकार और डी यमक अलंकार। तो दोस्तों, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली में जो अलंकार है वो हमारा अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां नंबर। चराचरम जगत कोष्ठ में कौन सा समास है? तो ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी बहुव्रीहि और डी कर्मधारय समास। तो दोस्तों, इसमें देखते हैं चराचरम में कौन सा समास है। तो चराचरम में जो है हमारा द्वंद्व समास, बी आंसर सही होगा। क्यों? जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो और उनके मध्य संयोजक शब्द का लोप हो, तो वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे यहाँ पर चर पूर्व पद है और अचर उत्तर पद है, दोनों प्रधान है, तो दोनों का अर्थ भी स्वतंत्र है। जैसे चर चेतन होता है और अचर जड़ होता है, तो चराचर जो है हमारा द्वंद्व समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? ए वाक्य प्रयोग, बी व्याख्यान, सी भ्रमण और डी चित्र निर्माण। तो दोस्तों, हमारा आंसर इसमें जो है ए सही होगा, वाक्य प्रयोग। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने है तो जो है वाक्य प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। ए किंडरगार्टन, बी मॉन्टेसरी, सी ड्रेकाली और डी अभिक्रमिक अन्वेषण। तो दोस्तों, इसमें जो है हमारा आंसर जो है डी अभिक्रमिक अन्वेषण आंसर नहीं है। क्यों? किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डेक्राली भाषा जो है शिक्षण की पद्धतियां हैं, जबकि अभिक्रमिक अन्वेषण भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए यह मानना है। ए मॉन्टेसरी का, बी महात्मा गांधी का, सी फ्रावेल का और डी किलपैट्रिक का। तो दोस्तों, दसवें क्वेश्चन का जो आंसर हमारा है वो बी सही है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि बालक की जो प्रारंभिक शिक्षा होती है उनकी मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए, जिससे कि बच्चे को पढ़ने सीखने में आसानी हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की तरफ। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। ए आगमन प्रणाली, बी निगमन प्रणाली, सी अव्याकृत प्रणाली, डी कक्षाभिनय प्रणाली। दोस्तों, 11वें का जो आंसर है डी जो है हमारा वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आगमन निगमन व अभ्याकृत प्रणाली जो है व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त है, जबकि कक्षाभिनय प्रणाली जो है व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। इसी कारण हमारा जो है डी आंसर हमारा सही है। इसमें नहीं पूछा है ना, तो नहीं में हमारा जो है डी आंसर आएगा, तो हमारा आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वीं की तरफ। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? ए बनारस, बी मिर्जापुर, सी इलाहाबाद और डी लखनऊ।
तो दोस्तों आनंद कादम्बिनी पत्रिका जो है उनका प्रकाशन जो होता है वो होता है मिर्जापुर से। कहाँ से होता है? मिर्जापुर से। जो हमारा बी आंसर सही है। आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन जो है 1881 ईस्वी में बद्री नारायण चौधरी की प्रेमधन उनके द्वारा जो है मिर्जापुर में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वें नंबर पर। आदिकाल की रचना है ए अखरावट, बी छत्रसाल दशक, सी दीपशिखा और डी खुमान रासो। तो दोस्तों आदिकाल की रचना जो है वो हमारा जो है खुमान रासो, जो कि डी आंसर सही है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना अखरावट भक्तिकाल की रचना है। और भूषण की छत्रसाल दशक जो भी है, छत्रसाल दशक वो भूषण जी का है, जो कि रीतकाल की रचना है। और जो दीप शिखा है वो महादेवी वर्मा जी का आधुनिक काल की रचना है, जबकि दलपत विजय का जो है खुमान रासो वो आदिकाल की रचना है। इसी कारण हमारा डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की तरफ चलते हैं हम। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है ए पूर्व ज्ञान के पश्चात, बी प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात और सी आदर्श वचन के पश्चात, डी मौन वचन के पूर्व। तो दोस्तों 14 का आंसर जो है हमारा बी सही होगा। इसमें कौन सा सही होगा? बी सही होगा। हमारा जो इसमें आंसर सही होगा वो बी सही होगा, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम 15 की तरफ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है ए माटी का फूल, बी चिंतामणि, सी क्षण बोले कण मुस्काए और डी आलोक पर्व। तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो निबंध संग्रह है वो चिंतामणि, बी आंसर सही है हमारा चिंतामणि। चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है निबंध संग्रह है। इसके अतिरिक्त भय और क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा आदि भी रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की तरफ। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारे राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं उनको उर्वशी के लिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो किस वर्ष में प्रदान किया गया था, किस वर्ष में दिया गया था? तो ये जो है 1971 में, बी 1972 में, सी 1973 में और डी 1974 में। तो दोस्तों इसका आंसर जो है बी सही होगा, 1972 में। 1972 में राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था वो सन 1972 ईस्वी था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की तरफ चलते हैं हम। निरामिस किसे कहते हैं? जो निरामिस है वो किसे कहते हैं? ए मांस रहित भोजन, बी मोक्ष का इच्छुक, सी रात्रि में विचरण करने वाला और डी मृत्यु का इच्छुक। तो दोस्तों निरामिस जो है वो हमारा मांस रहित भोजन को कहते हैं। किसे कहते हैं? मांस रहित भोजन। जो हमारा आंसर कौन सा सही है? ए सही है पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन 18।
सहद शब्द है। ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी आगत। ये हमारा 18वां क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो सभी परीक्षाओं में अक्सर पूछा गया है। सहद शब्द हमारा वो कौन सा शब्द है, कैसा शब्द है? तो दोस्तों जो सहद शब्द है वो हमारा डी आंसर सही है, आगत शब्द है। कैसा शब्द है? आगत। सहद शब्द जो है हमारा आगत है। हिंदी में अनेक शब्द विदेशी मूल के हैं पर परस्पर संपर्क के कारण यहाँ प्रचलित हो गए हैं, जिसके कारण अब सहद जो हमारा है वो आगत है। कैसा शब्द है? आगत। तो हमारा डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 19वां नंबर, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? ए जंगल, बी स्त्री, सी पुस्तक और डी व्यवसायी। तो दोस्तों वनिता का प्रयोग जो होता है वो स्त्री के रूप में किया जाता है। जो वनिता का प्रयोग हो स्त्री के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वें की तरफ चलते हैं हम। मुकुंद किसका पर्याय है? जो मुकुंद है वो किसका पर्याय है? ए विष्णु जी का, बी शिव जी का, सी सूर्य का और डी कामदेव का। तो दोस्तों मुकुंद जो है वो विष्णु का पर्याय है। तो हमारा ए आंसर जो है वो सही है। तो मुकुंद विष्णु का पर्याय है, विष्णु जी का। इसके इनके अतिरिक्त जो है केशव, गोविंद, उपेंद्र, दामोदर, पीताम्बर, नारायण आदि भी पर्याय जो है हमारे विष्णु जी का है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21वां नंबर जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 21वां नंबर, काहे रिल नाल तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों काहे री नाल तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जो पंक्ति हैं इनके रचनाकार जो हैं ए जैसी, बी रैदास, सी कबीर और डी जो है दादू। तो 21 का आंसर जो हमारा है सी हमारा सही है, कबीर दास। जो हमारे कबीर दास जी थे उनकी यही रचना है। तो हमारा सी आंसर जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 जो है, करपट का तद्भव रूप है? तो करपट जो होता है, करपट का तद्भव शब्द ए कपट, बी कारपेट, सी कपूर और डी कपड़ा। तो दोस्तों करपट जो है हमारा जो इसका आंसर है वो डी सही होगा, कपड़ा। करपट एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप कपड़ा होता है। तो आंसर हमारा जो है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है करपट, इसको नोट करिए क्योंकि यह आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है और जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उनमें अक्सर ये पूछा जा चुका है करपट शब्द। तो करपट शब्द जो है वो हमारा कपड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वें नंबर, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? ए बारात वसंत, बी बारात वसंत, सी बारात वसंत, डी बारात वसंत। इसमें जो है 23वें में कौन सा शुद्ध शब्द है? तो इसमें जो है बी हमारा सही है, बारात और बसंत। ये हमारा जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, अर्ध स्वर है? ए यव, बी ई उ, सी री ली, डी
री है खटकोण का। तो दोस्तों इसमें अर्धस्वर पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें अर्धस्वर जो है यह वह हमारा ए आंसर सही होगा। कौन सा आंसर सही होगा? ए सही होगा, यह और वह अर्धस्वर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है हमारा 25वां नंबर, चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है। तो दोस्तों ए जो है अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, बी अपराधी का शंकाग्रस्त रहना और डी। तो दोस्तों सी हमारा जो है अपराधी की पहचान हो जाना और डी अपराधी का अपनी पहचान छिपाना। तो जो हमारा आंसर इसमें सही है वो हमारा बी सही है। कौन सा सही है हमारा दोस्तों? इसमें बी सही है, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो 26वां नंबर हमारा है। निम्न में से कौन सा मात्रिक शब्द है? ए अजगर, बी जल, सी शीतल और डी पहर। तो दोस्तों इसमें जो है मात्रिक शब्द पूछा गया है, तो अजगर, जल, शीतल और पहर इस चारों ऑप्शनों में से जो हमारा मात्रिक शब्द है वो सी सही है। हमारा जो मात्रिक शब्द है शीतल वो हमारा सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम 27वें नंबर पे। तो 27वां नंबर जो हमारा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बुद्धहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस स्वर्ग में है? बुद्धहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण और डी क्रिया। तो दोस्तों इसमें जो है बुद्धिहीन जो है वो हमारा सी आंसर विशेषण है। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से हमारा विशेषण संवर्ग में आता है। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा? सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, अंगाढ़ वर्ण है, ए उत्क्षिप्त, बी अंतस्थ, सी संयुक्त और डी उसमें। तो दोस्तों अंग और ढ़ वर्ण जो हमारा है वो हमारा उत्क्षिप्त है, जो हमारा आंसर ए सही है। क्या है? उत्क्षिप्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 29 की तरफ चलते हैं हम। महोर में का संधि विच्छेद है, ए महत्धन उर्मी, बी महाधन उर्मी, सी महाधन उर्मी, डी महाधन मर्मी। तो दोस्तों महोर में की जो है उसका संधि विच्छेद जो हमारा है वो हमारा सी है, महाधन उर्मी। कैसे? प्रस्तुत शब्द में गुण संधि है, जब अ और आ के बाद ई या बड़ी ई, उ या बड़ा उ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः आए और अर हो जाते हैं। फिर से एक बार, जो हमारा शब्द है प्रस्तुत शब्द में जो है वो हमारा कैसा संधि है? गुण संधि है। इसमें जब अ और आ के बाद ई छोटी ई या बड़ी ई, छोटा उ या बड़ा उ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः छोटा आए और अर हो जाते हैं। जैसे आधन बड़ा उ बराबर ओ, इसमें जो है महाधन उर्मी में पहले का आ और प्लस दूसरे का बड़ा उ, तो ऐसे महाधन उर्मी बराबर महोर्मी। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों? सी सही होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 और आज का जो है लास्ट क्वेश्चन की तरफ। समष्टि का विपरीतार्थ शब्द है,
दोस्तों समष्टि का विपरीतार्थ शब्द पूछा गया है, ए विशिष्ट, बी अशिष्ट, सी अपुष्टि और डी व्यष्टि। तो दोस्तों समष्टि का जो विपरीतार्थ शब्द हमारा इसमें है व्यष्टि है। क्या है? व्यष्टि है, जो कि हमारा डी आंसर सही है। तो डी आंसर में हमारा व्यष्टि है। तो समष्टि का विपरीतार्थ शब्द व्यष्टि होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन लेके आएंगे हम। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।